Krishna, 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 Krish
हो जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवी कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने मैं न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कल्याणूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरण मम अहो भाग्यशाली कल्याणकारी गीता भी जाए दिव्य बड़े करेंगे ये भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी वाणी श्री श्लोक के माध्यम से हम कर्म करने की कला अपने इष्ट भगवान जी से गौरव के साथ श्रवण करेंगे। ये था मेरे महाराज जी का प्रमाण नियतम संग्रहितम कर्म कैसे किया जाए उतरते हुए अंतःकरण विमल एवं स्वच्छ हो जाए। कर्म कैसे किया जाए कि हम दिव्य दृष्टियों के योग्य बन जाए। कर्म कैसे किया जाए आवरण छुट्टी हो जाए। भगवान इन सब प्रश्नों का उत्तर इसी श्लोक के माध्यम से दिव्य और सजनों प्रदान करे। हमने कल जाना था भगवान का आराधा कर्म नाराजी न पेश किया जाए। पहले हम लोग जन्म जन्मांतरों तक और देवियो कर्म करते रहे राग और द्वेष में हर करते हमारा मन कहीं झुकता रहा कहीं उठता रहा राग में झुकता रहा और द्वेष में उठता रहा कर्म होते रहे अंतःकरण संस्कारों की दूरी बनता रहा। अब भगवान जी अपनी लहती के साथ अपना जाते हुए हमारी के नाम राग द्वेष की सरकार का निशाना राग द्वेष की रक्षी में श्रृंखला में आप पूरी तरह ग्रस्त है। हम प्रकट देखती है इसका संपादन हो जाएगा तो
पूर्वक और बड़ी सुगमता के साथ ये कर करने की रहना। कई बार हमें असफलता का कारण मुझे करना पड़ेगा, शायद लाभ की तरफ हो जाए, शायद देखने ऊपर करोड़ को लेकर फिर हम प्रतिज्ञा करेंगे, फिर अपने निश्चय करेंगे, फिर आप अपने मन को उठा देंगे, मन को उठा लेंगे। आपने कई बार गिरता है, कई बार गिरता है, शैतान गिर के उठते रहेंगे, लेकिन जो भगवान कर जा रहे हैं वो कई बार गिर के पत्रकार करते हुए या बातचीत करते हुए फिर खड़े होते हैं, फिर अपने आप को आगे ले जाती है। यही हिम्मत है इंसान में, पत्रकार का भी यही है, गिर गिर के संभालना, गिर गिर के उठना और फिर कभी भी न गिरना। फिर जीव प्रति कटा जाता है और भगवान की विशेष शक्ति का अधिकार बन जाता है। इसके बाद आफत से सुना कर्म, आफत यही एक करता है, आफत से सुना कर्म किया गया, लेकर फल पर नजर नहीं रखी, मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे स्त्री मिलेगी, मुझे अच्छा पति मिलेगा, मुझे कीर्ति मिलेगी, मेरी प्रतिष्ठा होगी, मेरा परलोक में बड़ा नाम होगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। ये भाव मन को नहीं आए भाई, ये भाव में मन कह नहीं गया, बल्कि अपने आप में स्टैंड कर गया, अपने आप में रह गया, कर्म किया, कर्म में मजा ले लिया, कर्म में भगवान की भक्ति ले ली, कर्म में भगवान के दिव्य दर्शनों के आप रख ली, कभी ना कभी तो मेरे भगवान मेरे इस निष्काम भावना के चरण करते हुए अपने दिव्य स्वरूप का विधान कराएंगे। बस इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा वो नौ लेट, यही भावना कर्म होती है मेरे देवियों, इतना ही अपनी भावना बने रखती, ये कभी तो मेरे भगवान मुझे दिव्य दर्शनों के योग्य बनाएंगे, कभी तो महाराज जी के दिव्य दर्शनों के यदि भाई विजय के युद्ध बन जाऊंगा। बस इसको फल की, ये फल की चाय नहीं होती, ये हमारा परम धर्म है, हमारा बार दायित्व है, हमारा पैसा सिद्ध अधिकार है, लगे रहे। लेकिन ये भी बड़ा गंदा प्रभाव कई जन्मों से बना हुआ, वो भी कर्म करने से पहले, कर्म करने के समय खेत के लिए कितने मैच करें भी जाती है, जिंदगी का ऐसा होगा मंत्री के भाग क्या करते हुए काम लिए गई है, इन्हीं में चक्कर काटता, इन्हीं में परिक्रमा किया करता, हमने नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो भी कर रही है, जो भी किया हर करेंगे नहीं, यदि प्रसाद समुद्री किसी प्राणी पदार्थ को प्राप्त कर रही है, वरना बहुत हार मान जाऊंगी, आप बहुत घाटे में रहेंगे, क्योंकि प्रसाद के प्राणी पदार्थ भले ही आपको वल्लभ लगे, भले ही आपको आकर्षित लगे, लेकिन एक इनमें बड़ा भारी बड़ा भारी छुट्टी है, क्या इनसे तृप्ति नहीं होती, कितने धन में प्रलोभ ले, कितनी इज्जत ले, कितने जो है प्राणी पदार्थ जिनका उपभोग करते हैं, उनको भोगता बनते उनको कंज्यूम करें, लेकिन तृप्ति नहीं होती, इनमें एक बड़ा भाई अब मेरे पदों और मेरे कल्याण का भी बताओ बेटी, उसको बारे में रख लीजिएगा, बड़ा भाई अब क्या है, तृप्ति नहीं होती, देरी नहीं होती, मन रजता नहीं है, मन फुल स्टॉप नहीं लगाता, दिन और की फनी लगी रहती है, इतना धन मिल गया फुल स्टॉप कर दे के बाद और कमा लिया, नहीं दिन और इतनी अच्छी पत्नी मिल गई, मेरे पति देव अच्छी हो गए, बस आगे मेरी बच्ची फिर बच्चा एक दिन का बाद ना अपने और मन का ये कोई दांत की तरह है, जितनी हम खुली करते हैं उतनी खुली और बढ़ती है, प्राणी पदार्थों को जितना ऊपर रोकते चले जाते हैं, संग्रह करती है उतना ये संग्रह और बढ़ता है और इसकी लालसा और आ जाती है, इसकी उत्कंठा बड़ी जोरदार अपने अंदर को खड़ी होती है, ये चीज को हैरान करती है। मन याद रखना मैं तो प्रसंग के अधीन जैसे प्रकरण बनती है उसी के अनुसार में बोलता चलता जाता हूँ और प्रकाश डाल जाता हूँ, आपने अपने मन में रखना है जिसमें छुटी जाए तो सारे प्राणी पदार्थों में, आप अगर देखिए बगल देखिए आपकी दूसरी जिंदगी पर नजर ला दीजिएगा, आपने कई रिश्तेदार देखे हैं, क्या उनका जीवन में तृप्ति आई, के पास है बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, के पास है इज्जत भी है, शहर छुट्टी भी अच्छी बोलती है उनकी, लेकिन छुट्टी तो नहीं है, देरी तो नहीं है, यह नौकर देखिए यह नौकर बिल्कुल परेशान नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है, अभी भी वो आवारा कुत्ते की तरह धक्के खाते हुए नजर आती है, उनके चेहरे पे जलाव नजर नहीं आता, उनके चेहरे पर तेज दिखाई नहीं देता, उनके चेहरे पर मलानी है, उनके चेहरे पर जो है वो उदासी खाई है, मुर्दगी है, तो नहीं हुई, बस ये बड़ा भारी अब प्राणी पदार्थ है, बड़ा भारी अब ये मन में रखते हुए बस अब कर्म तो किए जाने, कर्म में मजा लेना, कर्म भी इतना धर्म मिल गया, ये प्राणी पदार्थ को मैंने उत्तीर्ण कर लिया, इस बात को इस राज को इस सिद्धांत को कई प्रकार कर दे, इतने नर नहीं जितने किनारे पर बड़ी दूर तरह मरते हैं, फल की चाहने के लिए प्राणी पदार्थ के लिए देने के लिए सुंदरता पर जब चेहरे हो या कपड़े हो या कोई स्थान हो कुछ भी हो, आपका मन पढ़ने भी सीखता है, क्योंकि आपके मन को भगवान ने निर्बल बनाया है, आप एक बहुत निर्बल है, ये बड़े ध्यान के साथ आप तो कल्याण कामी है, आपके मन में उमंग किए का भगवान ने आपको ये समागम प्रदान किया, जहाँ कल्याण करके जाए, खाते पीते और बहुत से धंधों में लड़ा जाए, बल्कि अपने आप को आगे बढ़े, आगे भी चले,
किसी ने आपके कानून में फूक दिया है तो शाही या परवाज है काम किया, हाँ तेरे सामने आसमां और भी है, इसी रोज शब में उलझ के ना रह जा तो आशे कहते इंतियाम और हमारे मन के बहुत बड़ा किए थे, इसी रोज शब में इसी सवेरे शाम के धर्मों में नहीं रह जाए कुछ और भी करके दिखाना, हमने प्रलोक बनाया भगवान तेरे कड़ी पहुंच गया सारी याद की याद हो गया मेरे के दर्दों में लग गया, हमारे मन में बहाव पैदा होती है, हमारे मन में विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता, अच्छा हर तरह की जीवन नहीं है ये जिंदगी नहीं है क्षण नहीं थी, कौन है ये पाठ पढ़ा रहा है, कौन खुद उदाह रहे हैं इन शब्दों द्वारा हमें, कौन हमारी जिंदगी कर रहा है जो कहता हुआ ये जिंदगी नहीं जिंदगी मेरे बंद की क्षण नहीं करती जिंदगी मेरे बंद की क्षण करती जिंदगी मेरे बंद की क्षण करती जिंदगी बाप अंदर की पर्दा वो कह रहे हैं हमें ये कौन छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारे आंतरिक रूप से, ये छेड़छाड़ गाड़ी होती है हाँ ये छेड़छाड़ आंतरिक रूप से होती है, यह आंतरिक रूप से हमारे से छेड़छाड़ कर रहा कि जिंदगी मेरे बंद की क्षण करती जिंदगी बाप बरदान शाबाश शाबाश शाबाश, दो पार्टी खेल रही है टेनिस खेल रही है या मानो क्रिकेट खेल रही है या मानो कुछ और खेल खेला जा रहा है, उसके बाद कुछ खेल भी देख रहे थे कुछ यंग उन्होंने रुपए निकाले और बड़ा अच्छा खेल खेला उन्होंने दिया सरकार बिल्कुल ही बिल्कुल ही, हम तो अपने प्लेयर के लिए खेल रही है हम तो इससे खुशी बात करने के लिए खेल रहे, खेल के बाद उन्होंने अपने रैकेट छोड़े और साथ लग गए, वो तो फ्रेंडली मैच था फ्रेंडली मैच वो तो कई भाड़ा मैच था अपने खाते के लिए लोगों ने बैठ जाए किया रुपए निकाला बिल्कुल ही बिल्कुल ही, हम रुपए के लिए नहीं खेला ये ओलंपिक गेम नहीं है इज अ फ्रेंडली गेम नॉट ओलंपिक मैच इज ओनली फ्रेंडली मैच, हां हम तो प्रेम भरी मैच खेल रहे हैं वक्त कटी के लिए शाबाश, हम कुछ लेना नहीं इज्जत नहीं चाहिए बस हम तो अपने साथी साथी मिलाते लग गए हैं, वही मेरा दोस्त वही मेरा दोस्त ये बहाना था कि हम उल्ट आपस में कर रहे ना उल्ट कोई नहीं वो भी मेरे भाई है वही मेरे भाई है, ओ वेरी गुड ये किसे बोलते हैं फ्रेंडली मैच ना ओलंपिक मैच गुड, इसी तरह जब हमें कोई बात इज्जत मिले ना मुझे इज्जत नहीं चाहिए मुझे धन नहीं चाहिए मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए कल तेरा काम नहीं कुछ नहीं चाहिए भगवान के दिव्य बस ये भाव और उठ जाए बिल्कुल ही फर्क काम उठ जाए, भगवान मेरे मन पर विश्वास कीजिए मेरी इस चमड़े की जबान पर विश्वास कीजिए भगवान बहुत खुश होती है ऐसे नए जीवों पर खास करके कलयुग के अंदर इस कलिकाल के अंदर जिनमें ये भावना कर दी है इच्छा भी ना खेलने का हो इच्छा भी को इच्छा प्रभु इच्छा मुझे आप कुछ नहीं चाहिए मेरे क्या मात्र क्या मात्र क्या मात्र आपके दर्शनों का प्यास और मुझे कुछ नहीं चाहिए क्या मात्र मैं आपके दर्शनों का प्यास मेरी इस चिर काल की प्यास को बुझा दीजिए बस अलग 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 बस अलग जब हिंदी में लगाता है इसके बाद कहते हैं कुछ नहीं चाहिए उर्दू में लगाते हैं पकड़ इंग्लिश में लगाते हैं बस ओनली बस उसके बाद कुछ ही बोलेगा जब आप देखेंगे तो फिर कुछ ओनली इसके बाद आप कुछ ही लिखेंगे सुरक्षा बता देंगे अलग सुरक्षा कुछ बोलने के बाद बस उस पर कोई अक्षर कोई शब्द आगे नहीं दिए अलग एक ऐसा व्याकरण का नियम है कि जो कुछ आपने लिखा वो लिखते गए पत्र लिखते गए अखिल में अलग इसके बाद जो कुछ लिखा है अलग मैं अलग अतः बता बच्चों कुछ मुझे कहना था कहते जो कुछ मुझे और कहना था इसके बाद इसी तरह हमने चला भगवान अलग तिलक दर्शन अलग इसके बाद कुछ नहीं मुझे कोई तमन्ना नहीं मेरी यही तमन्ना मेरी यही आकांक्षा शाबाश बहुत ही अच्छे जैसे मैं कई तरह बात सुनाया करता हूँ राजा विदेश में गया छह सात रानियां थी सबको पत्र लिखा दो ले जाने के बाद मैं वापस आ रहा हूँ इस देश की ये जो है पदार्थ बड़े प्रसिद्ध है इनमें से जो भी आपको चाहिए मैं आपको आपके लिए लेता हूँ सब आगे लिखा ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए जरूर लिया जिस जो सबसे छोटी या सबसे कृष्ण थी उसने कहा एक लाख पत्र प्रणाम लिखा और एक लाख दिया कोई वस्तु लिखी कोई क्या है एक पत्र सरबड़ा है आपका जूस मेरा अखिल कहा मेरा जो भी मेरा है ना दिखाओ वो सब छोटी दानी के बेल में होगा छोटा के बेल में बाकी सब चीजें उनके साथ आ गई भाई खा पिया उनके मरीज सेवा शुशुषा हुई हर का करीब तुम्हें बता हाँ ये पत्र भी तुम ये क्या निकाला वाला एक नहीं समझे अब तो वहां राजा है इसे समय की बात वजीर पत्र चाहते लेकिन मुझे बड़ा संकोच हुआ वो क्या कहते राजा कुछ है अब तू बता नहीं देखा मैं तो यही दिखाया हजूर मुझे तो एक काली पदार्थ चाहिए मुझे तो एक आप अच्छा एक किलो मतलब आप तो शुक्र है जाने दूसरे में समझ गया मैं तेरे पास आ गया आप राजे मेरे पास आ गए आपके पास ये छत्तीस सौ चीजें नहीं आ गई अगर मैं पसंद कर लू तो आप नहीं देंगे जरूर ये राजा बहुत कि वो तो पदार्थों की सुखी है अब तक क्या प्यार करेगी छोटी रंग का
जिसने एक लिख दिया तुम्हारा बस मुझे आप चाहिए। अब तुम्हें कुछ जानकर कुछ दिनों की बात जब आपको समाज में हराम करता था, अब मुझे भर बताते हैं जाति से कहीं गाँव में रिवाज है बरात जाती है लड़के की, बड़ी सैर से होती है, दो दिन रखती होंगी तो रखने के बाद जब उन्हें आना होता है, आने से दो चार घंटे दोपहर के बाद ये दोपहर को बरात है दो बजे वापस जाना, तो उससे पहले मानिए अगर आपने जाना 2 बजे या 12 बजे या 1 बजे, 3-4 घंटे पहले रफर होगी, जो उनकी सबसे लड़की की ओर से दादी अम्मा या परदादी अम्मा जो सबसे पूरी होती थी, हाँ वो आगे आती थी बन ठन के बढ़िया से बढ़िया साड़ी या बढ़िया से बढ़िया मार क्या घाघरा पहन पून करके हाँ आ जाती थी और मेकअप पूरी करके जैसे के ले जा रही हो ना मेकअप जैसे श्रृंगार ऐसा होता है अलग अलग और बहुत मन फर्क आ जाना। हाँ अब जितने भी वो बैठे हुए हैं उनसे एक ही कृपया जो लड़के की ओर जा रहे हैं हाँ तन क्या भाव है और तरुण सारा हुआ पड़ा था सब बात वो उनसे होती है हेल्पर या उनके साहब बेटा तन क्या भाव है पूरी ऊपर हलवा ला उसको ये उसकी फरमाइश फरमाइश पूरी करने वाली है दादी अम्मा और फरमाइश पूरी ला उसको फरमाइश पूरी करो ताकि ये अरमान निकल जाए नंबर दो। हाँ आपको क्या भाव है मेनू मेनू तो चने भाव है चावल भाव है और मिला के मैं खाऊं कपड़ा ला लो कुछ बदले कहा नहीं और तैयार होता था मामला बोला दिया इससे पूछा तन क्या भाव है मेनू मेनू घर हो गए हाँ कड़ी और चावल अरे यार कड़ी चावल बांट जाओ ले लीजिए कड़ी चावल आ गए जानी जानी माँ हाँ तन क्या भाव है मेनू हाँ देवी क्या हाँ मुझे 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 हाँ लड्डू भाव है देव लड्डू कर पापा मेरे बच्चे आगे कर दो ये बहुत सुंदर और जिसमें धुरिया और हमारे कहते हैं जो ले 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 पड़े हुए पड़े हुए भागों में ले आके प्रांत दिख जाए अगर आगे 10-12 चौथ हो गया अब सब तो पाचन की बराबर नहीं होती अगर यू ही होता जाए तो खाया पिया तो नहीं होता अब कहीं ना कहीं तो कोई बात होनी चाहिए आगे मसला रह करूंगा और बरात वाले खास करके ले जाते थे मतलब कोई ना कोई ताकि दादी अम्मा को निरुत्तर किया जाए या लाल लाभ कर जाए दादी अम्मा जिंदगी का साथ दुनिया करे
लेकिन हमारे फाफा खिला करे और भगत पुकार के मैं बहुत तंगा था जहाँ किसी से लेकर जलील हुआ बर्बाद हुआ खराब हुआ आपका किलो मात्र किलो मात्र किलो मात्र तू जी तो आपसे जन्म सफल हुआ और गर्म छुट्टी हो गई नाना प्रकार से दुखों से खुदा के लिए छूट गए दादी अम्मा पूछ रही है फिक्र मुझे क्या भावना है दादी मुझे तो तू उठा न छुरी और न खीरी न पीरी कुछ नहीं चाहिए मुझे ऐसी उम्र पैदा करी भगवान ने बड़ा सा समाज दिया है खुद का स्थान दिया है इतना एकांत दिया है और अपने गीता का प्रमाण हमें भरोसा ये भी कि मनुष्यों फल की जानो क्या करेंगे वो कर्म करेंगे भगवान के लिए कर्म करेंगे तरस तरस के कब हमारे दिन आने वाला है कि भगवान जी अपने दृष्टियों के योग्य पाएंगे सो दिन कब जीवन में आने वाला है वो संध्या कब आएगी वो मेरी उषाकाल कब आएगी वो ब्रह्म मुहूर्त कब आएगा जिसकी जब दीदार कर रहा हूँ मैं अपने नेत्र से अपनी शाम जी को देख रहा हूँ मैं अपने नेत्र से अपने देव जी में प्रवेश कर रहा हूँ वो दिन कब आने वाला है हाय कब आएगा हाय कब आएगा हाय कब आएगा ऐसे भाव में पैदा हो रही हो तो क्या मिट्टी सब जाएगी है तो ये मिट्टी उठा लेना चारों में और फूक के आ जाना है ये कब मिट्टी सफल होने वाली है ये कब मिट्टी असीन हुआ जाती है इसकी हम कहीं जाने कर कहीं जाने कर कहीं जाने कर कहीं जाने
तीन चार भैंसे थी, हाँ तीन चार भैंसे थी, हाँ वो भी आई गई, हाँ वो तीन चार भैंसों का दिन कट करके जो मर गया, एक कट्टा एक भैंस का रह गया। हाँ अब वो क्या करते हैं, तलाक जो है वो देरी अजैन रखने वाला, वो एक ही कटलू को सारी भैंसों के फलों में जोड़ देता है, एक ही कटलू उसमें जोड़ दिया, मेरा पुत्र मेरा पुत्र, हवा में दूध ले आती है उसी कटलू को, ऐसे कटलू को बोलते हैं रेलू कटलू, रेलू कटलू, रेलू कटुआ, रेलू कटलू, पता क्या नाम बोले रेलू कटुआ, यार ये भैंस ले तो हवा में दूध आ गया, इस तरह आजकल मां बाप करो मां बाप करो रेलू कटलू बड़े देते आप नवंदा आपको देते जाओ, बस रब रब कर तो अपने दिन पूरे कर ले। ये ऐसे ही करते हैं।
परमात्मा बड़ों के इंतजार किए, माँ के बाप के बहन के भाई के देवी देवता के और इंतजार किए, लेकिन मैं जन्म देवा तो चक्कर में खरीदा। अब आपका इंतजार करके मैं जन्म चक्कर से ये नहीं सिर्फ भिक्षा पाने से छूट जाए, ये बात करें।
महाराज जी के दिए एक एक दिया, जैसे संत टाइम मान पांच बजे शुरू हो जाती है तो जितने आमतौर पर साइकिल रक्षा या बसे स्कूटर आमतौर पर जब सड़क चलती है तो सब भवन सब पे भवन की ओर ही जाता है एरोमार्ट होता है, जितनी जनता चारों से आती है एरोमार्ट सत्र भवन इधर से इधर से इधर से उधर से एरोमार्ट सत्र भवन इनका जो निशान है हमारी आंखें है हमारे पैर है सत्र भवन की ओर चारों से पांच बजे के बाद मेरा लग जाता है चारों इधर जा रही सत्र भवन इधर जा रही सत्र भवन चारों ओर से जो आ जाता है पगड़ियों का बड़ी सड़क का इर्द गिर्द का जखीरा मुस्ला पड़ता है जब भगवान के प्यारे आने लगती है ये एयरमार्ट रोज सत्र भवन हमारी बुद्धि का हमारी मन का हमारी क्रियाओं का हमारी मुस्कान का हमारे विचार का एयरमार्ट ऐसी लॉर्ड कृष्ण है, हमारी बुद्धि मन और क्रियाओं का एयरमार्ट किधर होना चाहिए भगवान बस मेरा और आपका बड़ा भाव जिनके अंदर फिर भावना कर दे और कुछ नहीं कर रही भगवान के दर्शन के लिए बस कभी कभी अपने आप को नहीं बल्कि दिन में दो चार पांच बार कह दिया करो मुझे घबरा नहीं आएगा उनको कभी न कभी भक्त पाएगा उनको कभी न कभी ऐसा विश्वास मान ली जहाँ हमेशा जाप करेंगे भजन करेंगे सफाई करेंगे भगवान से प्रार्थना करेंगे तभी तो भगवान के दिन दर्शन के योग होंगे जिस द्वार पर आप गए हैं यूं गुंगे मुंगे बन के खड़े रहो जिस द्वार पर आप गए हैं स्वयं सो सुन चुका खड़े रहो खटखटाओ बोलो लाला जी मैं आया हूँ लाला जी सुनो ना मुझे 10 मिनट हो गया खटखटाते हुए क्या कार बेलाती खराब है क्या सारे घर वाले ऊंचे सूटे डोरे हो गए हो कुछ बोलते जाओ क्या ऊंचे सुनने लग गए हो क्या बात है तुम्हारे घर से बाहर और हवाई जहाज गुजरती है और कानों की जो नाड़ियां है वो कमजोर हो गई है मैं बाहर आया हूँ कुछ मंगने के लिए आया मैं आपकी तार नहीं आया हूँ बड़ी अच्छी खबर है कौन बोल रहा है कौन है बोलो ना बोलो और बोलो कौन महाराज मुझे बड़ी देर हो गई है आए परमात्मा पता नहीं परमात्मा क्या स्वभाव है जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं कहेंगे नहीं जांच नहीं करेंगे जैसे मेरा जो है कठोर तजर्बा और कड़ा तजर्बा कुछ रोएंगे नहीं कुछ छटपटाएंगे नहीं कुछ छाती गर्म नहीं होगी कुछ सार चाहिए हिलेगा नहीं फिर तब तक उनके तक नहीं होता भगवान जो है ना ऐसे बोले बाले नहीं लड़ने हैं भगवान पूछ पूछ कर बड़े होशियार है जब तक हम खटखटाते नहीं तरसते नहीं बार बार नहीं कहते बार बार प्रार्थना नहीं करते फिर तब तक वो पसीते नहीं ये भगवान तो मैं और आप क्या कह सकते दो दो चार अब हम क्या करें दो दो चार होते तीन होते बात होती है भगवान पसीते भी तब है पहले हमारा मन द्रवित पहले हम अपने मन को पिघलाए पहले हमारा मन पिघले तब मनमोहन पिघलता अगर हमारा मन पत्थर है तो हमारी परवाह नहीं करती कह रहा हूँ शताब्दी के महापुरुष हुए हैं बंगाल की ओर उनसे ये बात पूछी गई भगवान कैसे स्वभाव को विवेकानंद जैसे विचार वालों के टोलों ने एक बड़ा बड़ा टोला था विवेकानंद इत्यादि उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा महाराज भगवान ऐसे कड़े क्यों है क्यों इतनी निंदा करवा के एक छोटा किसान नीचे करवा करवा के मांगता है या आपके जाति में नखरे है मिलते करे ये करे वो करे अगर उसकी माँ जी आपके साथ नाराज कर दे आपको वो मिलते करे मान जाना देखना मुझे मेरे साथ लगा कर नाराज ना हो जाए तो कोई बात नहीं आकर तो हमने सारी जिंदगी काटी है अभी कितने का दी कितने अभी तो दिल्ली जाना अभी तुम्हारा एक साल तो सारा हुआ है अभी तो नाराज हो गई है और जिंदगी काटी है क्या 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 करा खाए मर जाएगा चाबी भर दो पूरा बैंड बैठा है
हम सबके प्रेम में दर्द कर देंगे। जैसे ही टाइम आप लाते हैं बैंड वो ले आना, नवा ले आना चाहता बाजार से, मैं जब तक दिखाऊं तो सही वो बैंड बैठती है, बैंड ऑफ कर पूरा का पूरा और ठा ठा बैठती है। जब तक प्रेम खत्म नहीं होता तब तक ठा ठा बैठती है। वो मुझे बच्चा ठा ठा जा रहा है, कभी बिस्तर जा रहा है, कभी कुछ भी जा रहा है, बच्चे उधर माँ माँ बुहार ले रही है, माँ आटा कर रहे जो है छान रही है, आटा गूंथ रही है, पानी भर रही है, कपड़े धो रही है, सब कटा बच्चा खटा लोग बच्चे खेल रहा, माँ तो वो बच्चा खा बड़ा खेल रहा है, यहाँ पर कर रहा है, खेल रहा है, वो बच्चे माँ तो होगा अब क्या घर के बच्चे बच्चे का क्या सारे खड़े आसमान ये पी पी कू कू और ये करने वाले सारे एक नीचे तक वो तो उतर पी 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 मतलब वो ही वही की चिड़िया है और चिड़िया के नीचे वो बम्बू बनाया हुआ है, ये आगे दबाओ पी 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 मतलब पी पी अम्मा वो तीन जगह कुछ बड़ा कुछ हो तब अपना में सारे काम किया है। वेरी गुड। हाँ आप जब बड़ा अच्छा फिर क्या आप थोड़ी झटक लगे और बच्चा लो लेना देना खेलना चलते ये कुछ नहीं, इनमें चिंता नहीं है। और एक तो छाती गर्म तो हो
एक बार मन झटके हो तो जाए पूरा पे मारा किसी और हिंदी के तो करे बस और सब बेटी जाते तेरे बाद तेरे बाद ना तो करे भगवान कुछ किया एक बार मन हिंदी के करे भगवान के चार ओर से हाथ जाए और एक मिनट में लड़े सही भगवान बस कर बात तो कली काल का जीव है कितने का एक और लड़े तो सही ना चार ओर से आते आपको सुखे तो सही बस इसका दृष्टांत भगवान ने कछुआ कर लिया है या इसका दृष्टांत भगवान ने जलते हुए दीपक का छटिया जाए लिया कहा चम्मा रोचन की लाओ यू ही होगा योगी को हाथ कर सवा जो मन उसका हाथ में जो काम उसका हाथ में तो मन रह रे हो गया मेरे साथ हो गया तलीन भगवान जी के अंदर चारों से दीपक कौन सा रखा जाता है भगवती जिसको वायु के झोंके ना आ रहे हो हाँ खिड़कियां रोशनदान दरवाजे बंद किए हो और अंदर घी का दीपक जलना हो तो उसकी जो बत्ती होगी वो इधर उधर हिलेगी नहीं पूरा प्रकाश देगी ठीक इसी तरह जब मन इधर उधर का चिंतन न कर रहा हो केवल एक भगवान का चिंतन कर रहा हो भगवान चल भगवान की दास देवी के मजबूर हो अपने ओर से कमी है परमात्मा की रामकृष्ण भगवान आपका बहुत आपका ये दृष्टान परम की हमारे चौखे काम आ रहा है और बहुत उपयोगी भविष्य में विशेष होगा बहुत मान नहीं परवाह करते हैं बच्चा खिलौनों में मत रहते अपने घर के 3600 संदी है उनमें लगे हुए भगवान नहीं परवाह करते वो एक लोक के नाथ नहीं है वो त्रिलोक की नाथ है उन्हें और भी इधर काम इधर प्रति लगी भगवान की पर जब कोई जीव छटपटा उठता है जब कोई जीव चिल्ला उठता है तब भगवान उत्तर देता है तू अपने मन पूर्ण पे मेरे में लगाए खड़ा है और तुझे और कुछ नहीं मेरी दुनिया प्राप्त होकर चाहिए तो उनसे फिर तो नहीं हो रहा था मैं आया तो फिर मैं आया अरे अरे अब फिर मैं आया और फिर भगवान भगवान को हाँ फिर तो भगवान आए आह 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 फिर तो प्रभु आए अगर एक बार ये मन आ जाए सुधाता इतने उच्चे उच्चे मुझे नहीं चाहिए दुनिया वाले तो मरते हैं शारीरिक रूप के लिए मुझे किसी ने गीत सुनाया पर मैं कहता हूँ परमात्मा का तो यही अंग्रेजी के दो लाइन जरा परमात्मा के लिए गाते दे दो पूर्व परमात्मा के लिए पर पूर्व परमात्मा के लिए अगर हम ये अपलाई करते क्या 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 जिस सारी जाति महामारियां जिसके मरती है शरीर पर उनके लिए बोल उठती है तो वो मरते जाते हैं और मरे करते मरे करे शरीर क्या थोड़े दिनों का है सिर्फ उनका प्यार करना कहना भी गुनाह है पर परमात्मा के लिए कहे और सत्य रूप से कहे Oh my God, Krishna! Oh my God, Krishna! I want not born, not born, but I love you, I love you, I love you. Oh Lord. I was not born, not to, but I love you. एक बार पुकारे एक बार सीने में दर्द पैदा करके अपने भगवान को यही एक मजाजी की शब्द हकीकी से लागू कर दूंगा ओ माय लॉर्ड कृष्णा आई डोंट वांट वन या टू बट आई लव यू मतलब जिंदगी के दिन थोड़े थे चिल्ला उठे अपने अंतरात्मा से फिर भगवान कहते ऐसा जीव कर्म में और कोई फल नहीं चाहेगा वो क्या चाहेगा भगवान के दर्शनों का अंतर वो भगवान का विवाह जाएगा कुछ नहीं जाएगा लोक बन गया पर लोक बन गया जन्म भी सफल हो गया हाँ धन्यवाद सटे कृष्ण अवतार लिया धन धन वसुदेव धन धन वसुदेव जी धन देव की मैया ओ धन देव की मैया देखो किस्मत देने ले देखो किस्मत देने ले मथुरा नु चढ़ते मथुरा नु चढ़ते श्याम गोकुल खेले सादे श्याम गोकुल खेले धन
यशोदा मैया, धन यशोदा मैया, दाएं श्याम जी खड़े, दाएं श्याम जी खड़े, बाएं बलराम जी भैया, बाएं बलराम जी भैया, चरण धूली उठा लिए, चरण धूली उठा लिए, चुम चुम चप चप के, चुम चुम चप चप के, तुझे बाद जगा लिए, तुझे बाद जगा लिए, ओ कृष्ण भगतन दा प्यारा जे, कृष्ण भगतन दा प्यारा जे,
दान करो नकी बांदा बने सदा भगवान मेहमान गरीबाना हो कहते वाले मान करो नकी बांदा बने सदा भगवान मेहमान गरीबाना ओने डूबे ते तारे दी ओने डूबे ते तारे दी ते ओ मेरे तुलियो धन दे ओ ना ठिलाया तो मार दी ते ओ मेरे तुलियो धन दे ओ ना ठिलाया तो मार दी ते हरे कृष्ण भजो हरे कृष्ण भजो हरे कृष्ण हरे कृष्ण भजो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण भजो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम भजो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम भजो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण भजो हरे कृष्ण